तो जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित कुमार, स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल एस के बैंकिंग, जिसमें आपको बैंकिंग, फाइनेंस, APS और इंडियन बैंक के पोर्टल रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहती है। तो भाई आज ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो भी है कि जो BC है, यानी कि जो CSP संचालक है या फिर जो आधार से कैश विड्रॉल का काम करते हैं, ये उन लोगों के लिए है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि हम लोगों को साल में एक बार ITR फाइलिंग करना होता है, जो कि जिन लोगों का अधिक से अधिक लेन देन होता है उनके लिए ये ITR बहुत ज़रूरी होता है। नहीं फाइलिंग करेंगे तो भाई बहुत समस्या हो सकती है। जो मैंने एक वीडियो बनाया था वो भी आप देख सकते हैं, उसमें बहुत समस्या हो रही थी मुझे को। फॉर्म 148 का वो ए वाला मैसेज आ गया था, हम लोगों के यहाँ लेटर आ गया था। भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग उसे ITR को फाइलिंग ज़रूर करवाएं, क्योंकि ये इसका लास्ट डेट दोस्तों 31 तारीख तक ही होता है। मार्च 31 तारीख तक क्लोजिंग का महीना होता है, और क्लोजिंग महीने में ही आप लोग अपना ITR फाइलिंग करवा सकते हैं पूरी अच्छी तरह से। उसके बाद करेंगे तो दोस्तों अप्रैल अगर चला जाएगा 1 तारीख तो बहुत प्रॉब्लम होगी। दोस्तों एक दिन बचा है, और एक दिन में आप लोग अपना ITR ज़रूर फाइलिंग करवाएं। अपने कोई भी आसपास के CA से मिलकर, जो भी ITR का फाइलिंग का काम करते हैं ये सब, उनसे ज़रूर मिलकर करवा लें, क्योंकि बहुत समस्या हो जाएगी। आप लोगों को लेटर आने लगेंगे, बहुत परेशानी, और आपका जितना भी आप लोग लेन देन करेंगे, जितना भी आपका टैक्स कटा रहेगा वो भी रिटर्न नहीं हो पाएगा तुरंत। तो दोस्तों आप लोगों से मेरी एक छोटी सी अनुरोध है कि अगर आप लोग इंडियन बैंक के BC हैं या फिर स्टेट बैंक के BC हैं, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई भी बैंक के BC हो, कोई भी बैंक के BC हो, उन लोग ज़रूर अपना वो है ITR फाइलिंग करवा ले भाई। ITR से डरने का कोई दिक्कत नहीं, ITR से फ़ायदा ही होता है हम लोगों का। जितना कमीशन मिलता है वो रिटर्न हो जाता है। तो आप लोगों से यही छोटी जानकारी शेयर करनी थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपका दोस्त अगर आपका फ्रेंड है, कोई भी है आपके रिलेशन में है, अगर बैंक का CSP का काम करते हैं तो उन लोग को ये वीडियो ज़रूर भेजना, क्योंकि उन लोगों को भी बोल देना ITR फाइलिंग करवा ले भाई, नहीं तो बहुत समस्या हो रही थी। जब हमारे यहाँ लेटर आया था तो बहुत परेशानी हो गई थी। तो दोस्तों मिलते हैं, धन्यवाद।